वी राइट द बिफोर पर्टिकुलर वर्ड्स विच वी वेंट टू ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन द राइट द बिफोर पर्टिकुलर पर्टिकुलर खास चीज़ को कहा जाता है जिसके साथ आप द यूज़ करते हैं. पर्टिकुलर वो वर्ड होता है पर्टिकुलर खास चीज़ खास नाम या खास जगह जिसके साथ आप द यूज़ करते हैं THE द आप यूज़ करते हैं. वी आल्सो राइट द फोर ऑब्जेक्ट और पीपल दैट आर फेमिलर टू अस. द को आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ और किसी पीपल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई ख़ास नाम या कोई ख़ास जगह या कोई ख़ास पर्सनैलिटी जो होती है उसके साथ आप द यूज़ कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ किया जाता है. आ टेलीफोन. अब हमें अपने वर्ड के स्टार्टिंग में देखना है कि वॉवल है या कॉन्सनेंट्स है या ये क्या है जिसके साथ हमने ए लगाया है, ए एन नहीं लगाया है, इसलिए क्योंकि ये जो है हमारे वॉवल में नहीं आता. टी हमारा वॉवल नहीं है, हमारे जस्ट वॉवल 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू. तो हमारा यहाँ पे ना ए है, ना ई है, ना आई हो, ना ओ है, ना यू है, तो यहाँ पे टी है. तो ये टेलीफोन है, तो इसके साथ हम ए यूज़ करेंगे. हमें हर वर्ड के स्टार्टिंग में देखना है कि अगर वॉवल होगा तो हम ए एन लगाएंगे, अगर वॉवल नहीं होगा तो हम ए लगाएंगे. तो और टेलीफोन. सेकेंड हमारा है एन ऑरेंज. अब हमें अपने वर्ड में देखना है कि फर्स्ट लेटर इधर क्या है जहाँ पे ए एन यूज़ किया गया है. फर्स्ट लेटर यहाँ पे हमारा वॉवल है और जहाँ पे वॉवल होगा वहाँ पे आपने ए एन यूज़ करना है, एन ऑरेंज. सेकेंड आ जाता है हमारा, थर्ड आ जाता है द पोस्टमैन. द आप देखिए द पोस्टमैन के साथ लगाया. पोस्टमैन क्या है, ये खास वर्ड है. अब ये वर्ड हम किसी दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अगर पोस्टमैन है तो पोस्टमैन के लिए ही इसे यूज़ किया जाता है. तो जो वर्ड जिसके लिए यूज़ किया जाता है जस्ट उसी के साथ हम द लगाएंगे, द पोस्टमैन.